इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। गीवास्टिन 40 टैबलेट स्टैटिन नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसायुक्त पदार्थ है जो आपकी रक्त वाहिकाओं में बनता है और संकुचन का कारण बनता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। गीवास्टिन 40 टैबलेट एक व्यापक रूप से निर्धारित दवा है और इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसे भोजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है। आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे हर दिन एक ही समय पर लें। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आपकी दवा को रोकने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण है। यह दवा उपचार कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं, लेकिन उन खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिनमें वसा अधिक हो। इस दवा के आम साइड इफेक्ट्स में मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, जी मिचलाना, सिरदर्द और पेट दर्द शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं, या यदि आपको अपनी आंखों का कोई पीलापन दिखाई देता है या बार बार या अस्पष्टीकृत मांसपेशियों में दर्द होता है। इस दवा का उपयोग लीवर की बीमारी जैसी स्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह विकासशील बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मधुमेह के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।